नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल कोल पोस्ट और मैं हूं राजू गुप्ता। यहां लगातार हम आपको अपडेट करवाते रहे रीवा जिले के हनुमना थाना अंतर्गत कैलाशपुर हत्याकांड के बारे में। फिर हम यहां पर मौजूद हैं, पूरा कार्यक्रम तो यहां पर हो चुका, देह संस्कार हो चुका, लेकिन कहीं ना कहीं पर एक बड़ा और अहम सवाल ये खड़ा होता है कि जिस प्रकार से रातों रात पीएम करवा दिया गया और पीएम करवाने के बाद डेड बॉडी को यहाँ पर भेज दिया गया, सवाल निशान ये खड़ा होता है कि ऐसा क्या साक्ष्य छुपाने में प्रशासन रह गया कि रातों रात पीएम करना पड़ा और डेड बॉडी को घर भिजवा दिया पड़ा। इस विषय पर लेकर जब हमने इनके परिजनों से बात किया, मतलब ये कहेंगे इनके पुत्र से बात किया, मृतक के पुत्र से, उनके द्वारा क्या कहा गया, आइए पहले हम वो सुनाते हैं, फिर आगे हम आपको बताएंगे। अपने पिताजी को जबलपुर लेके गए थे सर, उनका हार्निया का ऑपरेशन था। माँ हमारी यहाँ अकेली रहती थी, यहाँ के मतलब कुछ लोगों ने उसको बहुत घिनौनी तरह से हत्या की है, जो कि आप लोग देखे भी होंगे। और इसके बाद यहाँ से पीएम के लिए हमको हनुमना ले जाया गया ऑटो के द्वारा। वो भी ऑटो से हम गए, वहाँ दो घंटे ढाई घंटे तक हमको इंतज़ार करना पड़ा वहाँ। इसके बाद बोल दिया गया कि यहाँ पीएम नहीं हो सकता है। फिर हम बोले सर तो क्या करें हम, फिर बोले कि इनका पीएम रीवा के लिए रिफ़र किया जा रहा है। तो हम बोले सर वहाँ हम रात को परेशान हो जाएंगे। बोला नहीं, वहाँ कोई व्यवस्था दिक्कत नहीं होगी, आप रात को पहुँचे रहोगे, सुबह आपका नंबर लिखा दिया जाएगा। हम बोले चलो ठीक है। हम रीवा गए, रीवा जाने के बाद फिर वहाँ मतलब बॉडी को चिड़घर में रखवा दिया गया। फिर हमसे बात की गई, परिजन थे हम। बात करने के बाद बोला गया कि आपका पीएम आज नहीं हो सकता, आपको पता है, कल सुबह 8:30 बजे पहला नंबर लगा दिया जाएगा। हमने उनसे रिक्वेस्ट भी की सर ऐसा हो तो आज करवा दीजिए, हम नहीं जानते थे उसके मामले में। बोले नहीं, ऐसा नियम नहीं है, ऐसा हो ही भी नहीं सकता कभी। हम बोले चलो ठीक है। इसके बाद हमको 8:30 बजे भेज दिया गया, जाओ तुम सो जाओ, आराम करना, सुबह 8:30 बजे आपको बुला लिया जाएगा। इसके बाद हम सोने चले आए, हम हमारे चाचा और जीजा गए थे, सब लोग सो रहे थे। हमको दो बार फ़ोन लगाया गया, हम 3-4 दिन से नींद में थे, तो हम एक बार दो बार उनका मतलब फ़ोन काट दिए। इसके बाद फिर हमको ज़बरदस्ती बुलाया गया कि तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे हो। हम बाहर गए तो मतलब वहाँ ये हमको धमकाया गया कि तुम विधायक से फ़ोन करवा रहे हो या इससे बात नेतागिरी करवा रहे हो। वहाँ के डॉक्टर थे सर, चंदुलिया से थे छोटे से, मतलब उनके द्वारा हमको धमकाया गया कि तुम रात को पीएम करवाना चाहते हो, यहाँ ऐसी ये दिक्कत होगी, कौन आएगा, कलेक्टर को बुलाओ, लिखित लाओ, ये करो। हम बोले सर हम बाहरी लोग, हम कैसे क्या कर सकते हैं, आप ही लोग जो करेंगे। फिर उन्होंने क्या किया कि बोला कि ठीक है, रात को ही पीएम करवा देते हैं आप। इसके बाद पीएम करवा के बॉडी को जिस गाड़ी से हम यहाँ से ले गए थे हनुमना, उसी गाड़ी से हमको भेजा गया। और गाड़ी का भाड़ा तक हमको मतलब यहाँ 4,000 रुपये अपने जेब से दिए, 500 रुपये वहाँ मतलब वहाँ अदर खर्च के लिए लिया गया था पीएम के लिए। और हमें सिर्फ शासन प्रशासन से यही मांग है कि जिस तरह हमारी माँ की मतलब हत्या की गई है, तो जो भी गुनहगार हो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सर उन्होंने पहले तो ये बोला कि रात को पीएम हो ही नहीं सकता, हम बहुत रिक्वेस्ट किए तो बोले नहीं हो नहीं सकता। वहाँ के मतलब कई मतलब और तहसीलदार भी बोले कि नहीं हो सकता। फिर रात को हमको फ़ोन करके मतलब थोड़े दूसरे डिसीजन से बात करके मतलब बोले कि अब तुम्हारा पीएम अभी हो रहा है, मैम आ रही है। हमको मतलब मैम को बुला के इसके बाद हमको बुलाया गया, बोला अभी तुम्हारा पीएम कर दे रहे हैं, लेके चले जाओ। हम फिर ये भी सवाल किए कि मतलब हमको विधिवत जांच चाहिए, न्याय चाहिए। बोले जिस तरह से मतलब होनी चाहिए उसी तरह से मतलब पीएम किया गया, उसमें कोई कसर कुछ भी हमको नहीं दिया गया। कोई लगता है आपको इसमें सर, इसमें हमको क्या बताएं सर, हत्या का वो लग रहा है कि किसी ने बहुत मतलब घृणित तरह से हत्या उसकी की है, जो रात को पीएम किया गया है। उसमें तो मेरे को संदिग्ध है सर, कुछ छुपाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि हम वहाँ बहुत हाथ जोड़े कि सर हम बहुत तकलीफ में हैं, यदि हो तो रात को करवा दीजिए। उन्होंने हमको डांट के बाहर कर दिया, नहीं ऐसा नहीं होगा। इसके बाद फिर हमको दो घंटे बाद बुलाया गया कि मतलब तुम नेतागिरी करवा रहे हो, डॉक्टरों की टीम बुला ली गई है, तुम्हारा पीएम अभी होगा। क्या आपने ऐसा करवाया था? हम मतलब उसमें राजी नहीं थे। नहीं, नेतागिरी जो हम कुछ नहीं, हम तो सर वहाँ सो रहे थे। कहाँ जानते हैं? हाँ कहाँ, न तो मोबाइल ले गए थे, दूसरे के मोबाइल से बात कर रहे थे। लगी है परसों 5 बजे, लेकिन ये घटना है नरसों रात की समथिंग। तो हमको 5 बजे उसी के बच्चे के माध्यम से हमको जानकारी ली थी, राम लखन गुप्ता के माध्यम से। वो अपने पिताजी का इलाज करवाने जबलपुर गया था। बोला कि ऐसी ऐसी बात है सरपंच यार, घर में मतलब बता रहे हैं अड़ोस पड़ोस वाले कि दोनों तरफ से दरवाज़ा लॉक है और मेरी मम्मी के आवाज़ लगाने पर नहीं बोल रही है, थोड़ा देखो क्या स्थिति है। फिर आपने क्या? फिर मैं वहाँ से आया, तब तक यहाँ 50-60 लोग खड़े थे गाँव वाले,
देखा तो फिर राम लखन से बात किया, राम लखन ने इन लोगों से बोला भाई दो चार ईंटें बगल में हम जोड़ के रखे हैं उसको थोड़ा हटाओ, एक दरवाज़ा था उसको पैक किया था ईंटें से, चार पांच ईंटें उठाने के बाद उन्होंने देखा कि उनकी मम्मी जो है तो पड़ी थी वहाँ। फिर उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस आई और इसके बाद लगातार दो दिन पुलिस यहाँ रही और कल तक जाँच की गई। फिर कल शाम को डॉग स्क्वाड को मंगाया गया, डॉग स्क्वाड आए, फिंगर प्रिंट वाले आए और उसके बाद यहाँ से लेकर पीएम के लिए ले गए। कल जब पुलिस आई थी तो जब डेड बॉडी को देखा गया तो उससे अंदाजा लगाकर आपको क्या लगता है कितने क्रूरतापूर्वक हत्या की गई? बहुत क्रूरतापूर्वक हत्या की गई है और निर्दयतापूर्वक हत्या की गई है। वो मर्डर केस था क्योंकि दोनों हाथ उसके बंधे थे, सर पर बहुत सारी चोटें लगी थी और पुलिस ने ऐसा बताया भी, लेकिन डॉग स्क्वाड आया तो उसके माध्यम से भी जानकारी नहीं मिली, फिंगरप्रिंट का भी जानकारी मिला नहीं मिल पाई कि क्या किसका है या शक के आधार पर कितने आरोपियों को यहाँ से ले जाया गया? शक के आधार पर पांच लोगों को ले गया है। क्या आधार पर? अब वो तो नहीं पालूं पर ले गए हैं पांच लोगों के नाम क्या है? अब उनके नाम तो हमको नहीं पता है लगभग, पर एक पांच लोगों को उठाया गया है। क्या है आप यहाँ के? मैं यहाँ के सरपंच प्रतिनिधि हूँ, मेरी पत्नी सरपंच है यहाँ के। आपका नाम? जिस प्रकार से आपने सुना उनका आरोप भी क्या था, सवाल अब ये खड़ा होता है कि पुलिस प्रशासन के द्वारा इतनी बड़े हत्याकांड को इतने हल्के से क्यों लिया गया, प्रशासन ने उनकी मदद क्यों नहीं की? एक तो सबसे पहले पीएम करवाने के लिए एक धक्का प्लेट ऑटो में भेजा जाता है, दूसरी बार दो घंटे इंतजार करने के बाद हनुमाना में उनको कहा जाता है कि यहाँ पर महिला डॉक्टर नहीं है, यहाँ पर पीएम नहीं होगा, रीवा भेजा जाता है, रीवा में कहा जाता है कि सुबह आपका पीएम होगा, फिर रात में इनके ऊपर दबाव बनाया जाता है कि रात में ही पीएम किया जाएगा, रात में पीएम करवा कर भेजा जाता है। दूसरी चीज़, इनकी मानवता कहाँ मर गई, प्रशासन की मानवता कहाँ चली गई कि एक गरीब जो चाट फुल्की बेच कर अपना जीप आज का चलाता है उससे 4,500 रुपया वाहन का पे करवाया जाता है और वो डेड बॉडी लेकर आता है, मानवता कहाँ चली गई? सरकार जो तरह तरह के वादे करती है, गरीबों के हित के लिए बात करती है, तो इस जगह पर मानवता कहाँ चली जाती है? जिला प्रशासन के इतने बड़े बड़े अधिकारी कहाँ चले जाते हैं, नेता मंत्री कहाँ चले जाते हैं जब इस प्रकार की घटना आती है? ठीक है, हत्यारे ने हत्यारा किया, अब उसके पीछे भी जानकारी ये मिल रही है कि कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ की जा रही है, इसके पीछे क्या निकल के आता है ये भी अभी परे है। पीएम में क्या आया ये भी सोचने की बात है, क्या सामूहिक दुष्कर्म हुआ था, ये कहीं ना कहीं पर प्रशासन पे प्रश्न चिन्ह बना है, क्या कहीं उसको दबाने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा, जो उसकी बात की घटना हुई है उसको दबाने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा है? क्योंकि इस समय पर मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान एक्शन मोड पर हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि अधिकारी अपने कुर्सी को बचाने के चक्कर में साक्ष्य छुपाने का प्रयास कर रहे हैं? सीएम इस बात को गंभीरता से लें, क्योंकि एक गरीब के साथ में इतनी बड़ी क्रूरतापूर्वक हत्या की गई है। मैंने पहले भी आपको कहा था कि मुंह में रुमाल मोजे ठोस लेना, पन्नी से बांध देना, करंट लगाना, हाथ पैर बांध देना, इतनी क्रूरतापूर्वक हत्या की गई है जो निंदनीय है, हम अपने विजुअल पर नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर न्याय इनको मिलना चाहिए कि इस प्रकार से पुनरावृत्ति घटना न हो पाए। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन पर अब सवाल निशान पैदा ये हो रहा है कि क्या वो छुपाना चाह रही थी। जिले से मैं राजू गुप्ता, कैमरामैन राजभवन के साथ। खुल गया खुल गया खुल गया, लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स, गुरुद्वारा रोड, मोरवा, सिंगरौली, जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश। हमारे यहाँ हर प्रकार की छपाई ऑफसेट मशीन द्वारा किया जाता है। छपाई का काम कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। लेटर पैड, शादी कार्ड, कैरी बैग, पंपलेट, पोस्टर, आई कार्ड, बुक वर्क, मैगजीन, कैलेंडर, बिल बुक, स्टिकर आदि काम किए जाते हैं। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9479712700, 7805818606। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।